गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं और आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर द वन पेज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही खास प्लांट के ऊपर, एस्पर्गस। और आप इसकी लीव्स देख लें फ्रेंड्स, काफ़ी स्मॉल स्मॉल लीव्स है इसकी। तो चलिए एस्पर्गस फर्न के ऊपर, कुछ केयर के ऊपर बात करते हैं। कुछ बातें स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम प्लांट का ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि ये प्लांट इतना खूबसूरत होता है कि हमें देखते ही पसंद आ जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको टॉप व्यू दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसकी लीफ इतनी स्मॉल नीडल टाइप होती है, काफ़ी छोटी छोटी लीफ होती है। और फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं अगर इनको बड़ा पॉट दिया जाए। और एकदम बेस पर तो ऐसा लग रहा है कि बैम्बू का जंगल होता है उस तरह से। फ्रेंड्स, ये सॉइल से ही ग्रो होते हैं, ऊपर से ब्रांचेस नहीं निकलती है। बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि प्लांट को किस तरह की सनलाइट चाहिए और वाटर किस तरह चाहिए। तो सबसे पहले हम सनलाइट की बात करेंगे दोस्तों। तो सनलाइट 28 से 30 डिग्री, मतलब कि जो मई जून की जो हॉट टेम्परेचर होता है उसको छोड़ के हम किसी भी टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं दोस्तों। ब्राइट लाइट ये बर्दाश्त कर लेता है हमारा ये प्लांट, पर ज़्यादा देर तक, करीब 4 से 5 घंटे अगर हमने इसको सनलाइट में रखा तो इसकी पत्तियां जो होती है, जो बहुत ही छोटी और नीडल की तरह होती है दोस्तों, वो येलो होने लग जाती है। ये हमने रिसेंटली परचेस करा है दोस्तों, तो हम इसको एक बड़े से पॉट में डालने वाले हैं। और ये जिस तरह एक जंगल की तरह दिख रहा है, तो हम इसको बड़े पॉट में डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो फ्रेंड्स, सनलाइट उतनी ही चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा सनलाइट हो तो प्लांट को आप सेमी शेड में शिफ्ट कर दें, छाया में शिफ्ट कर दें। और वाटर की बात करें तो दोस्तों, इसको वाटर, स्टे वाटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्टे वाटर मतलब कि वाटर लॉगिंग। आप जब भी वाटर डालें दोस्तों, करीब आधे घंटे में सारा वाटर ड्रेन हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी स्टे नहीं होना चाहिए। सॉइल इसकी मॉइस्ट रहेगी बट वाटर ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा, तो हमारा एस्पेरिगस फर्न या एस्पेरिगस प्लांट हमारा काफ़ी हेल्दी रहने वाला है। और दोस्तों, इसकी लीव्स इतनी स्मॉल है कि हमारा कैमरा भी जूम नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का एक खूबसूरत सा प्लांट चाहिए, जो कि बना बनाया बॉन्साई कहते हैं इसको, तो फ्रेंड्स ये आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आप ये लेकर आते हैं, आप इसको गार्डन में, गार्डन के जो ग्राउंड होता है वहाँ पर लगा सकते हैं, बड़े से पॉट में लगा सकते हैं, या फिर छोटे पॉट में भी रख सकते हैं। आप किसी भी पॉट में इसको रख सकते हैं और इसकी प्रोपोगेशन भी ईजिली हो जाती है, इसके सीड्स के थ्रू हो जाती है। या फिर यहाँ से अगर हमें प्रोपोगेशन करनी है तो यहाँ से आप पूरा का पूरा सॉइल बेस निकालिए और हाफ में इसको कट कर दीजिए, ये ईजीली दो में डिवाइड हो जाएगा और अपने आप को डबल कर देगा दोस्तों। प्लांट मरेगा नहीं, अगर हम बीच में से किसी भी नाइफ की यूज़ से हम इसको हाफ कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये दो प्लांट मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत आसान होती है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र किस तरह देना है दोस्तों। इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर देते हैं तो प्लांट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर प्लांट को अच्छे से ग्रो करना है, राइट एनवायरनमेंट और राइट टेम्परेचर मिलेगा दोस्तों, तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है। और जिस तरह ये ड्राई, ये सूखी हुई जो ये लीव्स है, आपको ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इससे प्लांट के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और प्लांट काफ़ी खूबसूरत दिखेगा दोस्तों। जिस तरह हमारा ये येलो कलर की जो लीव्स है, आप इनको
इमीडिएटली रिमूव कर दें। फिलहाल ये अंदर से थोड़ा सा ग्रे है तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, बट जो फुल्ली ड्राई हमारे, जिस तरह हमारे यहाँ पर कुछ स्टेम है, आप देख लें, प्लांट हमेशा ग्रो अंदर से ही करता है, कोई भी सेकंड ब्रांच नहीं निकल रही है दोस्तों, कोई भी एक ब्रांच, जैसे हम इस ब्रांच को ले लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी दूसरी ब्रांच नहीं है, देख लें दोस्तों, कोई भी सेकंड ब्रांच नहीं है इस पर, तो इसकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ बेस से होती है दोस्तों। तो अगर हम इसको कट करके प्रोपोगेट कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फ्रेंड्स, कितना बढ़ जाता है इसकी लेंथ और हाइट कितनी हो जाती है दोस्तों, उस पर बात करेंगे। तो ये इसकी हाइट करीब दोस्तों 3 से 4 फीट हो जाती है, 3 to 4 फीट हाइट हो जाती है, और विड्थ इसकी 3 फीट रहती है। अगर इसको बड़ा सा पॉट देंगे तो ये 3 फीट तक बड़ा हो जाता है, चौड़ाई 3 फीट तक हो जाती है दोस्तों। तो हमारे एस्फेरिगस फर्न दोस्तों, ये था कुछ एक शॉर्ट वीडियो था इसके ऊपर। अगर आपको प्लांट पसंद आया हो तो आप इसे ला सकते हैं, और ये डेफिनेटली कोई प्लांट करे ना करे, बट ये प्लांट हमारे गार्डन को काफ़ी खूबसूरत बनाने वाला है दोस्तों। ऐसा लगता है अफ्रीका के जंगलों में जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनकी तरह ये लग रहा है, जो एक फॉरेस्ट होता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट फॉरेस्ट को दर्शाता है दोस्तों। तो ये एक इमेज क्रिएट करता है कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट है। फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर रिपोर्टिंग के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि सॉइल कंटेंट अगर आपको नहीं पता है तो उस पर भी बात हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं और आप लोगों को शुक्रिया करता हूँ वीडियो देखने के लिए। अगर प्लांट आपको पसंद आया हो तो आप इसे परचेज करके लाइए, और केयर के ऊपर हमने बात कर ली है किस तरह करना है, तो ये ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ, क्योंकि क्या पता उनको भी इस तरह का एक प्लांट चाहिए हो अपने गार्डन में। थैंक यू फ्रेंड्स।